राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी। बीना जी के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे हम मिर्च का अचार। मिर्च का अचार बनाएंगे, उसके लिए हमने ये आधा किलो मिर्च ले लिया, इनको धो लिया अच्छे से हमने और इनको पोंछ लिया अच्छे से। ये देखो कितनी हरी कंच है। कुछ हमने ये रेड वाली ली है, कुछ इन्हें भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब इनको हम कटिंग करते हैं मिर्चों की, और ऐसा अचार बनाएंगे देखते ही बनाने लग जाओगे आप अचार को। तो अचार को बनाना हम शुरू करते हैं। तो मिर्च को पहले काट लेते हैं। मिर्च हमें ये इस तरीके से इस आकार में चाहिए, ऐसी ऐसी इस गोल गोल, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, इस तरीके से। इस तरीके से ये देखो, तो मिर्चों की हमने कटिंग कर ली है। ये देखो हमने ना ज़्यादा पतली मिर्च चाहिए ना ज़्यादा मोटी, हमने ये बीच की मिर्च काटी है। ये अगर आपके हाथों में जलन होती है तो आप सरसों का तेल लगा लें हाथ में जब काटें मिर्च को, और फटाफट से अगर ज़्यादा जलन हो रही है तो फटाफट से आटा गूँध लें, तो आटा गूँधने से जलन ठीक हो जाती है। अचार के लिए हमें ये लहसुन की ज़रूरत पड़ेगी, लहसुन को हमने छील लिया है, और थोड़ी सी अदरक की ज़रूरत पड़ेगी, ये लहसुन भी हमने काट लिया है। अब हम मिक्सर जाल लेंगे और इसमें ये तरीके से लहसुन डाल देंगे और ये अदरक डाल देंगे। अब इसको ढक्कन लगा लेते हैं। तो हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, लहसुन अदरक का हमने दरदरा रखना है इसको, और ना पानी डालेंगे हम इसमें। तो लहसुन अदरक का हमने पेस्ट बना लिया है, ये इस तरीके से हमें चाहिए। ये लहसुन अदरक वाली हम मिर्च का अचार बनाना सिखा रहे हैं आपको कैसे बनता है। ये देखो ऐसा चाहिए हमें दरदरा। और इसके लिए हमें मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सौंफ ले लिया हमने दरदरी, ये वो ले लिया सरसों ले लिया, मेथी दाना ले लिया है थोड़ा सा, और ये कलौंजी ले लिया। तो इन तीन मसालों को हम भून लेते हैं अच्छे से, और इसको नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसको भून के डालना चाहिए कलौंजी को, ना ही पीस के डालना चाहिए, इसको कच्चा ही डालते हैं अचार में। तो इनको भून लेते हैं। तो गैस जला लिया हमने, सबसे पहले हम ये मेथी दाना डाल देते हैं और ये सरसों डाल देते हैं और ये सौंफ डाल देते हैं। तो इनको भून लेते हैं। गैस जला लिया हमने, इस तरीके से हमें भूने हुए मसाले चाहिए। तो मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इनमें से, बहुत ही ज़्यादा। तो मसाले हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मसाले हमने ये प्लेट में निकाल लिए, बहुत गर्म है मसाले और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इनकी। अब हमने दोबारा से गैस जला लिया और गैस पे फिर दोबारा से कढ़ाई रख लिया। अब सरसों ऑयल डालेंगे हम, ये हमने 100 ग्राम ऑयल ले लिया। तो लहसुन अदरक का हमने पेस्ट बनाया था, ये इसी ऑयल में डाल देते हैं। और इसको चला लेते हैं अच्छे से, जले नहीं है, गैस का फ्लेम कम करके रखें और इसको भुनने दें अच्छे से। और हमने ज़्यादा भी नहीं भूनना इनको, इनकी नमी निकल जाए बस थोड़ी सी। बस इतने ही भुने चाहिए हमें, नमी ख़त्म हो गई इनकी। ये देखो थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा। अब गैस बंद कर देते हैं हम, ये ठंडा हो जाएगा लहसुन प्याज का
लहसुन अदरक का पेस्ट फिर बताते हैं हम। तो तेल ठंडा हो गया है और ये लहसुन अदरक हमने पेस्ट बनाया था ये भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये देखो गर्म नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी, ये बिल्कुल ठंडा चाहिए, जितना बर्फ़ होए उतना ही सही है। ये देखो मैंने हाथ में ले रखा है, बहुत ठंडा है ये। ये अब इसमें हम ये मिर्च ऐड कर देंगे, और ये हमने मसाले भुने थे सारे, ये भी हम सारे ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये लिए हमने हींग, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट रहता है अचार में। और ये अमचूर पाउडर ले लिया हमने एक चम्मच भर के, और ये काली मिर्च ली है, और ये जीरा भुना हुआ है। तो दोनों चीज़ भुनी हुई है और दरदरी, तो ये भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। तो यहाँ डाल देते हैं हम काला नमक, नमक ज़्यादा लगता है अचार में। तो आधी चम्मच हम हल्दी डाल देंगे, और ये कलौंजी लिया हमने, ये कलौंजी भी डाल देंगे। अब ये सब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखो ये बहुत एक नया तरीका आया अचार का, आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाना इस अचार को, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये विनेगर ले लिया है टॉप्स का, तो ये दो चम्मच विनेगर ले लिया हमने, तो ये भी डाल देते हैं हम। इससे खट्टी तो होएंगी मिर्च, दूसरा ख़राब नहीं होएंगी ये। देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ज़्यादा। ये देखो इस मिर्च के अचार के आगे सब्जी दाल नहीं खाओगे आप, और देखते ही बनाना शुरू कर देना, इतना टेस्टी अचार है ये, फटाफट बनाना भाई। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सर्दियों में ही बनता है ये मिर्च का अचार, एक नई तरीके से, बहुत ही आसानी से मिर्च मिल जाती है मार्केट में ये। ये देखो, और ध्यान रखें गरम तेल में ना डालें, ना गरम कढ़ाई होनी चाहिए, सिर्फ ठंडा ही होना चाहिए सब कुछ, तेल वेल मसाले वसाले। ये देखो ठंडा है सब कुछ। इस मिर्च के अचार की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस तरीके से ज़रूर एक बार ये मिर्च का अचार बना के देखना, बहुत ही टेस्टी बनता है। और एक कांच का जार ले लें सुखा के, और उसके अंदर ये भरे अचार को, इस अचार की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ये अचार जरूर बनाना एक बार, बहुत टेस्टी बनता है, बनाना खाना और खिलाना, और कमेंट में ज़रूर बताना हमें ये अचार हमारा कैसा बना, लहसुन अदरक वाला। और इसे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तेल डालने की ज़रूरत है, ये इसमें इतना तेल पड़ा है कि नीचे बैठती जाएंगी और तेल ऊपर आता जाएगा, और तेल ऊपर आता जाएगा तो मिर्च टेस्टी बनती जाएंगी। खट्टे के लिए मैंने ये थोड़ा सा सिरका डाल दिया है टॉप्स का, और इसी से खट्टी हो जाएंगी और लंबे समय तक चलेंगी और ख़राब नहीं होएंगी सिरके से।